फायदा नहीं था ना। आज उठ के आ गए, समाज के पास समाधान नहीं था। समाधान क्यों नहीं था? समाज के पास प्रत्याशी नहीं था। यदि बिहानी में आज प्रत्याशी होता तो समाज भी ये कहता भाई ये काम करें। तो मैं रोहतक जिले के राजपूत समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के उन भाइयों का धन्यवाद करूंगा और आपकी सूझबूझ, आपकी समझदारी, आपके हौसले, हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने एक महीने पहले ये निर्णय कर लिया जो आप पूरे हरियाणा के लिए अभी कैसे कर रहे थे। आज आप इस कार्यकर्ता मीटिंग में राजपूत समाज के नाम ले रहे थे, मैं चेहरों को जानता हूं। हमारे गुज्जर समाज के भाई सदन में बैठे हैं, हमारे यादव समाज के भाई इस सदन में बैठे हैं, हमारे प्रजापत समाज के भाई इस सदन में बैठे हैं, घाटोली गांव वाले बैठे, मैं सारा न जानू हूँ। घाटोली गांव के हमारे यादव भाई बैठे, घाटोली गांव के हमारे गुज्जर भाई बैठे, हमारे प्रजापत भाई बैठे। तो मैं 31 तारीख के बाद मैंने चलना शुरू किया तो मैं अभिभूत हूँ इस बात से, जिस तरह से 36 बिरादरी का समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिला, मैं इस बात से अभिभूत हूँ कि कभी प्रजापत समाज के भाई फोन करके बातें हैं, कभी हमारे जांगड़ा समाज के, कभी हमारे नान समाज के, कमाणी समाज के, गांव में चाहे वो किसी भी बिरादरी का गांव हो जिनकी संख्या कम 30-30-50 घर है, 70 घर है, 80 घर है, सभी बिरादरियों के उन लोगों फोन आए और बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपने ये बीड़ा उठाया है, इन सभी वंचित शोषित पीड़ित लोगों के आप आवाज उठाओगे, इनके आवाज को बुलंद करोगे, इनको कुचला जा रहा है, इनको दबाया जा रहा है, लंबे समय से इनका शोषण हो रहा है, तो उन सब लोगों की मदद करनी है भाई। मैं आपका राकेश तंवर, मैं आपकी आवाज बढ़ूंगा, आपके न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ूंगा। और भाई मैं तो मिलन खातर कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत को नहीं, रात के 12 बजे, दिन के 12 बजे, अरे तुम मेरे कुर्तो पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, कॉलर पकड़ लो, नू तो कोनी का अपॉइंटमेंट बिचौलिया था बिचौलिया के बीच जानो पड़ेगो। ओ ने पीड़ित सारे सारे समाजों के लोग जिन नेताओं को वोट दिया उनसे मिलने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए भी बड़े बड़े प्रोटोकॉल लगते हैं।